हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के रेड कारपेट के बारे में, बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली रिएक्शन के बारे में कि मूवी देखने के बाद वो मर गए हैं, जिंदा हैं, क्या हुआ है, उनके रिएक्शन क्या थे, एवरीथिंग बात करेंगे उस सब टॉपिक के बारे में, बात करेंगे एक छोटे से स्पेशल गेस्ट के बारे में और बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट के बारे में जो कि रेड कारपेट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो रेड कारपेट के साथ। तो सबसे पहले, आपका फेवरेट एक्टर कौन सी कैसी कॉस्ट्यूम पहन के आया था, वो सारी इमेजेस मैंने यूज करी अपनी वीडियो में, तो आप बिहाइंड द सीन में देखते जाइए कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने कपड़े कैसे पहने थे, एंटमैन ने, क्रिस इवांस ने, क्रिस हेम्सवर्थ ने और बाकी अदर फीमेल एक्ट्रेस ने भी। तो ये रेड कार्पेट काफी कमाल का हुआ था, जिसमें कि सारी सेलिब्रिटीज आई थी, जिसमें कि थॉर के एक्टर भी आए थे, एजेंट ऑफ द शील्ड के एक्टर्स भी आए थे और सबसे ज्यादा फीमेल एक्ट्रेस ने सबका आकर्षित ध्यान करा अपनी तरफ। तो ये फैंस क्रेजी हो गए, पागल हो गए। तो रेड कार्पेट के बारे में तो कह सकते हो कि एवेंजर एंडगेम का ये लास्ट रेड कार्पेट था इतने बड़े लेवल पे, जिसमें कि सभी सेलिब्रिटीज मौजूद थी। अब सबसे इमोशनल सीन कौन सा हुआ, तो इस रेड कार्पेट सीन में ब्री लैंसर यानी कि कैप्टन मार्वल और उसी के साथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर और स्कारलेट जॉनसन इस रेड कार्पेट सीन में रोने लगे। अब उनके लिए ऐसा मोमेंट शायद पहली बार आया होगा और उसके बाद शायद उन्हें ये देखने को ना मिले। तो एवेंजर एंड गेम का ये रेड कार्पेट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी रहा फैंस के लिए भी और सेलिब्रिटीज़ के लिए, क्योंकि वो रोने लगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। तो ब्री लैंसर की तो इमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई रोने की, मेरे को नहीं मिल पाई, मेरे पास ऐसा अपडेट आया, पर वो इमेजेस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पर और ये सारी इमेजेस भी मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर अपलोडेड हैं। और बात करते हैं एवेंजर एंड गेम के रिएक्शन के बारे में ऑफिशियली। तो सबसे पहले एवेंजर एंड गेम की मूवी देखने के बाद लोगों के जो रिएक्शन रहे थे वो काफ़ी इनक्रेडिबल रहे थे, किसी ने भी इस मूवी को खराब नहीं बताया गया। और नॉर्मल सी बात है यार, इतनी बड़ी लेवल की मूवी है, इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट करी है, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो खराब तो कहीं हो ही नहीं सकती। इसका हर एक पॉइंट ऐसा था कि आपको हर एक सेकंड पर इसको, मतलब कह सकते हो आप, थिएटर पर खड़े होने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल आप यही है, हर एक मोमेंट पर खड़े हो जाओगे, ताली मारोगे, सीटी मारोगे, आपका गला बैठ भी जाए और शायद दो घंटे बाद आप यही कुछ बोल भी नहीं पाओ, आपके गले की सूजन बढ़ सकती है, समझ सकते हो ना। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप के थे कि ये आपको मतलब धमाका मचा दे। अब जब आप थिएटर से बाहर निकलो तो आपको शायद नींद भी नहीं आया, आप सोचते रहो यार क्या देख लिया, आगे ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, और इमोशनल सीन तो उसमें बहुत कर रखा बताया गया है। तो फैंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे, आपको टिश्यू पेपर लेके जाने पड़ सकते हैं मुझे लगता है पर्सनली। और आशीष चंचलानी एक स्पेशल गेस्ट थे इस मूवी में और इस रेड कारपेट में, और मूवी देखते में आशीष चंचलानी ने यह समझ लीजिए इंडिया को बहुत बड़ा प्रेजेंट करा एक तरीके से, क्योंकि एक यूट्यूबर के नाते और फर्स्ट इंडियन के होते नाते जिन्होंने सबसे पहले ये मूवी देखी, तो उन्होंने यूँ समझ लीजिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ उन पर। तो ये एक स्पेशल ऐसे गेस्ट थे जो कि इंडिया की तरफ से गए थे, उन्होंने सारे एक्टर्स के साथ मिले, फोटो खिंचवाई और मूवी देखने के बाद उनके रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बताया इस मूवी को इमोशनल भी सीन था, तो यानी कि कोई एक जाने वाला है, तो मैं ऐसा कोई कन्फर्म नहीं हूँ अपनी तरफ से, पर आशीष चंचलानी का कहने का मतलब तो यही था। और फाइनली मेरी टिकट भी बुक हो चुकी है, फर्स्ट शो तो नहीं मिला क्योंकि पूरा शो बुक हो चुका था, आगे की सीट खाली थी इसलिए मैंने बुक नहीं करा, पर मेरे को सेकंड शो मिल गया। तो मैं बेसिकली आगरा में रहता हूँ, ओमैक्स मॉल में 10:30 बजे का शो देखने जा रहा हूँ। तो जो बंदे भाई बंदी अगर मिलना चाहते हैं या आगरा में मेरे से मूवी देखना चाहते हैं साथ में, तो ओमैक्स में 10:30 बजे का बुक शो कर लीजिए और पॉसिबिलिटी अगर टिकट मिल जाए तो। रेड कार्पेट काफ़ी अच्छा गया, फर्स्ट रिएक्शन भी इनक्रेडिबल थे, एवरीथिंग बहुत कुछ अच्छा था और आशीष चंचलानी ने जो सरप्राइज़ दिया वो तो और ही ज़्यादा अच्छा था। तो अब मार्वल फैंस के लिए ये इवेंट बहुत बड़ा है, सारी मूवीज़ देख के जाना, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि होमवर्क करके जाओ, मूवी देख के जाओ, क्योंकि एक भी पॉइंट आपके लिए मिस हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट यार, 26 तारीख को धमाका है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो नहीं देख रहे हो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।